CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2। सबक हयातुल्ला अंसारी। पैदाइश 1911, वफात 1999। हयातुल्ला अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 में मदरसा फिरंगी महल से मशरकी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालिबे इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। महात्मा गांधी से अकीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिरी वक्त तक कांग्रेसी रहे। 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोजनामा कौमी आवाज जारी किया और अंसारी साहब उसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्ला अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका जायज मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। हयातुल्ला अंसारी ने अफसाने, नॉवेलेट और नॉवेलों के साथ साथ तनकीदी मजामीन भी लिखे और गैर उर्दू दां हजरात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। 1952 में लखनऊ में तालीम बालिगा के लिए तालीम घर कायम किया। हयातुल्ला अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन उनके अफसानों की फिजा मुख्तलिफ है। इन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनमें मुशाहिदा, तखयुल और फिक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं। उनके अफसाने जिंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। हयातुल्ला अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 में शाया हुआ। इसके बाद भरे बाजार में शिकस्ता कंगूरे और ठिकाना के उन्वान से उनके अफसानवी मजमुए 2 नॉवेलेट मदार और घरौंदा मंजरे आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल जखीम नॉवेल लहू के फूल छपा। जदीदियत की सैर हयातुल्ला अंसारी की तनकीदी किताब है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियां लिखीं जो मियां खूखू और काला देव के नाम से शाया हो चुकी हैं। सबक अफसाना भीख। कैलाश की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फपोश चोटियां चमक रही थीं और दूसरी तरफ ढलवां पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थी। जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है जिसे पहाड़ और उनकी चोटियां, दरख्त और चिड़ियां, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से जिंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ और शफाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। लारी स्टैंड से एक सड़क बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूं रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नित नई फयाजियों से माला माल था। कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताजे सेबों को चीड़ के बकस में बंद कर रहा था। उसके पास 2 मुसाफिर खड़े थे
जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश उधर देख रहा था कि इतने में पास से एक आवाज आई, बाबूजी थर्मस मैं ले चलूं? कैलाश ने मुड़कर देखा, 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फैयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखलाई थी पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? मर गए। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। क्यों? बच्चा कुछ नहीं करने देता। बच्चा? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिख करता है, हर वक्त खाना मांगता है, रात को ना वो सोने देता है और ना डर। सफा 31। डर? इस वादी में किस चीज से? मेरी कुठरिया का दरवाजा टूटा हुआ है, रात भर मैं डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा ना जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कोई रखे तो क्यों ना करूं, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। अच्छा, मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। बापूजी सच? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ न निकला। सफा 32। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। जरा जरा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे किवाड़ों की दराजों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफेदी तो नहीं नजर आ रही। आज उसका रोजाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको, उसके सब भाई बहनों को सोते में खा ना जाए, दूर पहाड़ों में छिप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नजर डाली जो कंबलों के गूदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि जरा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वो लल्लू को धुनक कर रख देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब करा लिया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई है, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट भी चुका था। रजनी ने जरा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना ना मिलता हो कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते ही में खत्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागन की तरह बिफरी हुई थी,
اسے سخت کوفت تھی کہ یہ 2 سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ میں جہاں جاؤں یا جو کام کروں میری راہ میں حائل رہتا ہے۔ اب دیکھو اس وقت عیش و آرام کی دنیا صرف 400 فٹ اوپر ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی وہاں پہنچ چکی ہوتی۔ صفحہ نمبر 33۔ رجنی کا غصہ دیکھ کر کلو جو للو سے 2 سال بڑا تھا اور منی جو 4 سال بڑی تھی سہمے ہوئے تھے اور ہانپ ہانپ کر ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ البتہ تلسی اور رامو رجنی کی طرح تازہ دم تھے، بلکہ ان دونوں نے بھی للو کو باری باری گود میں ذرا ذرا دیر کے لیے اٹھا لیا تھا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے انسانوں کا یہ چھوٹا قافلہ ڈانٹ اور مار، خوف اور آنسو، تھکاوٹ اور ہانپنے، امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ 50 فٹ اوپر چڑھ گیا۔ اس جگہ رامو کو ایک چشمے کے پاس پڑا ہوا ایک داغی سیب مل گیا، لیکن وہ ابھی منہ تک نہیں لے جانے پایا تھا کہ رجنی نے جھپٹ کر اسے چھین لیا اور دانت سے اس کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر للو کو دیا اور پھر باقی کے 2 ٹکڑے کر کے کلو اور منی کو۔ کلو اور منی سیب کا ٹکڑا کھا کر چشمے کا پانی پی کر تازہ دم ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اوپر پتا اور ماں ملیں گی؟ نہیں الو، وہ نہیں، وہ تو مر گئے۔ صفحہ 34۔ کلو: جو مر جاتے ہیں کیا وہ اوپر بھی نہیں ملتے؟ منی بہت سنجیدگی سے: وہ کہیں نہیں ملتے، ہم لوگ ایک اور بابو جی کے پاس جا رہے ہیں جو پتا جی کی طرح روٹی دیں گے، کپڑے دیں گے اور اوڑھنے کو دیں گے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر نہ جانے کیا ہوا کہ رجنی پگھل سی گئی۔ اس نے ان دونوں کو اور پھر للو کو پیار کیا اور کہا: اب دھیرے دھیرے اٹھتے بیٹھتے چلیں گے۔ اب پھر دھرس دینے لگی کہ اوپر پہنچتے ہی بہت سی روٹیاں ملیں گی، جن میں گیہوں کی بھی ہوں گی، گرم کرتے اور پاجامے ملیں گے، چائے ملے گی، سیب ملیں گے، پھر بابو جی کے ساتھ ہم لوگ ان کے دیس چلے جائیں گے جہاں بہت آرام سے رہیں گے۔ ہاں، رجنی جس نے آج تک اس وادی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس پار کی دنیا کیسی ہوگی۔ مگر جیسی بھی ہو، وہاں روٹیاں ہوں گی، کرتے پجامے ہوں گے اور ایسے گھر ہوں گے جن میں ڈر نہ لگتا ہوگا۔ رجنی اب اپنے قافلے کو لے کر مزے مزے اوپر چڑھنے لگی۔ جتنا جتنا اوپر چڑھتی جاتی اس کی خوشی بڑھتی جاتی۔ رجنی کو معلوم تھا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں گھومنے والے دولت مند کسی پہاڑی مرد یا عورت کو رکھ کر اپنے ساتھ میدان میں لے جاتے ہیں جہاں نہ برف پڑتی ہے نہ بھوک ہوتی ہے، لیکن یہ بات دور دور اس کے تصور میں نہ تھی کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو سکتی ہوں اور میرے ساتھ میرے 5 بھائی بہن بھی۔ سورج اوپر چڑھ رہا تھا اور رجنی بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اوپر چڑھ رہی تھی۔ آخر ڈاک بنگلے کی سرخ چھت نے اپنی جھلک دکھلا ہی دی۔ کیلاش چائے پی رہا تھا اور کھڑکی سے صاف ستھری نندا دیوی اور اس کے نیچے کے عظیم الشان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے نوکر نے آ کر خبر دی: کل والی لڑکی آئی ہے اور اس کا بچہ بھی، ایک چھوڑ 5 5 بچے ساتھ ہیں۔ 5 5؟ جی حضور۔ کیلاش نے باہر آ کر دیکھا تو رجنی کھڑی تھی اور اس کے گرد بہت سے چھوٹے بڑے میلے کچیلے، چپڑے چندھے بچے ناک سے سڑ سڑ کر رہے تھے اور کیچڑ سے لت پت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صفحہ 35۔ کیلاش نے رجنی کے پاس جا کر سختی سے جواب طلب کیا: یہ سب کون ہے؟ رجنی کیلاش کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اس کی سختی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی اور چلا کر کہنے لگی: میں ان سب کو لے آئی، اب یہ سب آپ کے پاس رہیں گے۔ یہ منی ہے، یہ للو ہے، وہ رامو ہے، وہ کلو ہے اور وہ تلسی ہے۔ کیلاش: سب تیرے بھائی ہیں؟ رجنی: جی ہاں، 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ رجنی ذرا صاف ستھری تھی اور اس کی صورت میں ایک کشش تھی، لیکن بچے تو سڑی گلی چیزوں کا ڈھیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کیلاش کا جی متلانے لگا اور کل والی رومانی فیاضی جو رات گزر جانے سے باسی ہو چکی تھی حقیقت پسندی سے بدل گئی اور کیلاش سوچنے لگا کہ رجنی کے ساتھ ایک بچہ ہوتا، 2 ہوتے
तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? उनको खिलाया और पहनाया कहां से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आंखें, ये कोयला ऐसे हाथ पांव, ये बू और मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थीं कि हम भी जरा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलोगे? कैलाश ये सवाल सुनकर झुंझला गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहां रख सकता हूं? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने जिंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ न निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा ये था कि इन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसपा हुई। लेकिन कैलाश के लिए आसान न था कि उनको यूं रुखसत करता। सफ़ा 36। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। उस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए। 2 रुपए? इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां ली, फिर 8 आने की और ली, फिर 4 आने की और ली, फिर और 4 आने की। इस तरह 2 रुपए खत्म हो गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। दोपहर के बाद ये काफला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पांव के साथ उतरने लगा, और इस तरह कि बैठ गया तो उठने की जरूरत ही न महसूस की। सुबह जिन तारीकियों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से। न रोना, न डांटना, न इजहार हसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2-1 बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग उसी अपनी पुरानी कोठरी में पहुंचे जहां भूख थी और सर्दी थी, खौफ था, और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुंचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थीं। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तहान करने निकल खड़ी हुई। मश्क। लफ्जों मानी। बंजर, वो जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। बर्फ पोश चोटियां, बर्फ से ढकी हुई चोटियां। दिलकश, दिल को लुभाने वाला। दिख करना, तंग करना, परेशान करना। चश्मा, पानी का सोता। हसरत, किसी चीज के ना मिलने का एहसास। पसपा, शिकस्त, हार। सफ़ा 37। गौर करने की बात नंबर 1। ये अफसाना इंसान की बुनियादी जरूरतों यानी रोटी, कपड़ा और मकान के मसाइल के गिर्द घूमता है, और ये साबित करता है कि भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। नंबर 2। इस अफसाने के मरकजी किरदार रजनी में हिंदुस्तानी औरत की ममता नजर आती है। वो अपनी फाकाकशी और मुफलिसी के बावजूद छोटे भाई बहनों के लिए ईसार और कुर्बानी की मिसाल पेश करती है। मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1। मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? नंबर 2। रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर सो न सकी? नंबर 3। पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी और उसके बहन भाइयों के जज्बात क्या थे? नंबर 4। कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी?
عملی کام نمبر ایک، افسانے کا مرکزی خیال بتائیے۔ نمبر دو، اس افسانے میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، بجلی گرنا۔ یہ محاورہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ ایک یا دو جملوں میں استعمال کر کے واضح کیجیے۔ نمبر تین، اس افسانے کے آخری جملے کی وضاحت کیجیے۔ صفحہ 38، تعارف سوانح۔ سوانح میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ سوانح نگار اپنے ہم اثروں کے سوانح بھی لکھ سکتا ہے اور تاریخی شخصیتوں کے سوانح بھی۔ اس صنف کا مقصد کسی اہم شخص کے حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے ہم اثروں کا حال بھی لکھ سکتا ہے اور اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مولانا حالی اور شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کا سلسلہ شروع کیا۔ حالی نے ممتاز ادبی شخصیتوں کے سوانح لکھے، مثلاً حیات سعدی میں شیخ سعدی، یادگار غالب میں غالب اور حیات جاوید میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی، سیرت النعمان، الغزالی، المامون اور الفاروق جیسی سوانح کتابیں لکھی ہیں۔ شبلی نے سوانح نگاری کے ذریعے اسلاف کی علمی، ادبی اور مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ نوائے اردو بھاگ دو، پیشکش CIET NCERT، نئی دلی، بھارت۔